अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ महामीर और बात करते हैं जी चाची जी की। पर आपको सना सिस्टर और इमरान भाई की पिक्चर दिख रही होगी। हाँ जी, तो इन्हीं से ही रिलेटेड आज बात है। आज बात जो है सना सिस्टर और इमरान भाई की, चाची जी की और हमारी रेहाना बॉस जी की बात है। तो आगे आप लोगों को ना कुछ लाइव देखने को मिलेगा, तो आप लोग वो मिस मत करिएगा और वो चीज़ आप लोग फुल वॉच कीजिएगा। और उसमें आपको जो वो 15 लाख वाली जो बात है ना, वो भी सब कुछ मिलेगी। तो आइए फिर देखते हैं जी वो लाइव। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, तुम है ना, तुम मेरे को ये बताओ, 15 लाख का इन लोग ने तुमसे कैसा पैसा लिया? आज पब्लिक को बताओ, 15 लाख ये लोग कैसा लिए? हाँ, वो हमारे में पहला मैं बोले तो क्या मालूम, एक मराठी औरत थी, वो ना मेरे को ना वो और कम्मो वाची वाली नहीं की कम्मो कहते किधर कहते बड़ौदा कहते। तो इमरान मेरा दोस्त था बड़ौदा में, बराबर है, वो न्याज में जो आया था वो। तो इससे क्या किया, किडनैप करे बल्कि वो मराठी औरत ने पूरा बवाल करी, बहुत से बदन पे डाकी ना था, सब था किडनैप करे। तो अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने, उसके मुंह पे कुत्ते ने चोदे भरे, कुरान तो झूठी खाते ये लोग, उसको भरे को कुत्ते को मेरे कोई नहीं मिला, कुत्ते को चोदने जाएंगे कोई फुकुर चोदू को। तो मेरे को क्या बोला मालूम क्या, अरे बेटा मेरा बच्चा, मेरे को बुटी ने फोन किए, तू फंस गई, मैं लेने आऊ क्या सूरत से? मैंने क्यों तुम लेने आएंगे भाई? तो बोल के मैं ऐसा तसल्ली दिया। तो मेरे को मराठी औरत ने फोन कर दिया, दिन में 10 कॉल बुट्टी का, बुट्टी औरत के बोले काम करने का है बॉस, ऐसा है बेचारे जीजा को ना घर से निकाली, चिरा के मार के ट्रेड फोड़ के ये सब चार थी, वो भी 2 लाख रुपया खाया मराठी औरत का। हाँ, वो लड़की औरत का मेरे को मालूम है नाम। हाँ, तो बोले वो देखो बेचारे ना है, बहुत बेचारा परेशान है। बोले भाई मेरे पूरे टाइम से मेरे को पूछा था, मैं भी इंसानियत के राज्य पूछती, तो गेम पैसा खेला। बोले ये क्या होते ना, तेरे भाईजान को 25-30 लाख रुपए लेते और कभी भी गए थे, ये मेरे को ऐसा बोली, वो चिराग के नीचे बैठे जुमेरात लगा, ये ऐसा बोली। मैंने कुछ डाल के बोला 2-3 लाख रुपए डाल के थे, मैं लालू जी में आई का कुछ बात करूँ। बोले ठीक है, मैं उसको इतना है कि वो बुड्ढी को बोली नहीं कि मैं पैसा दे दी बल्कि। तो ये जो मराठी रहती हूँ घड़ी 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 बोलने लगी। तो मैंने बुड्ढे को ना एक इतनी बारिश मेरा दामाद है ना जैनब का आदमी, वो जाके 10 लाख रुपए देने गया, तो बुड्ढा आया उधर किधर तुम्हारा फाउंटेन में, 10 लाख रुपया ले लिया और इतनी बारिश में आके अजीत ने दूसरे दिन 5 लाख रुपए दिया, मर गया बेचारा, उसका तो पैसा खा, उसके मेरे पास पैसा नहीं था। बोले और वो भी कोसों कफन नसीब न हो, मर के मुंह झुकाने को भोस की माँ के भोसड़े में लड़ मारू मैं, हाँ बड़वा। तो मैं कैसा बोला, तो मैं ठीक है भाई, बोल के इतना तंग करा, इतना तेरा 25 पेटी मांगा, तो मैं एक सहेली को मेरे फोन करी, किसको मैंने ऐसी सी बात है, अरे उसको क्या पैसे की कमी है, उसकी औरत इतना सोना भी ना पहनती, तू काहे को दे रही? बोले खांसी है फंसाएगा तेरे को। मैंने नहीं जाने तो दाढ़ी छोड़ा नमाजी है, नहीं करवाएगा। तो मैंने बुड्ढी को फोन करी, तो बुड्ढी क्या बोलिया, मैं देख मेरा आदमी अगर पैसा लिया, रिकॉर्डिंग तो सुना है मेरा आदमी अगर कबूल कर, तो मैं जगह पे दे दी। तो मेरे को बुड्ढे ने ये बोला कि बॉस उसकी दुकान ले लो तुम, वो दे रही पैसा ले लो, मैं ये मानती बात है। तो मेरे को ना मैंने ठीक है, तो 2 दिन के बाद फोन करती तो उठाने का तैयार नहीं बुढ़ा, दूसरा बोलता था तबे कौन छे, तबे तो तेरी माँ का भसड़ा छे बोली मैं। बोले मैंने बुड्ढे को फोन दे, तो दे रहा नहीं है। तो बाद में फिर ये बुड्ढी है ना चीख मार के झटकी, सब दोनों की मिली भगत था, अरे मेरा आदमी को लाइन मार रही है, कर रही तो उसको पटा रही है, कर रही अरे फुकुड़ भी नहीं छोड़ दूंगे, चूत तो उठने की बात, तो मुंह भी नहीं देखा उसको देख के, बड़वा साला। मैं तो अभी देखना, मैं तो अभी मेरे सर पे कफन लेके बैठी, मैं किसकी कुंडल किधर निकाल दूंगी। तो मैं एक बार चलो ठीक है, तो ये उठाने तैयार नहीं, तो बोले एक काम कर, मेरा आदमी अगर पैसा लिया ना 2 दिन के बाद, मैं इसको पूछ रही भाई घर का एड्रेस दे, मेरे को शुगर से पेशाब लगी जोर से, मेरे को घर का एड्रेस दे, जरी संदानी दूध के लिए बिलक रहा, सब भूख के प्यास सब लोग भटक रहे, ये घर का एड्रेस देरी नहीं, एक बिचारी अल्लाह को खुश रखे, मैं उसका नाम बड़ी पीर की कसम का बताऊंगी उसके घर, मेरे को दिखाई, मैं इसको फोन करती तो आ जाना, वेट कर रही, आ जाना, सबको बुला के, अपनी बहन को, बहन के बेटे को, बहन के दामाद को, सबको बुला के रखी, सारे फूट एक बेड पे, खाना नहीं देती बहन को लुट की। तो मैंने फिर गई, तो मैं बेडरूम में गुड्डा लेटा, तो मेरा आदमी डिब्बे
उसको 60 लाख का ना पानी की बोट में ना गोवा में लॉस था ना, वो डुबे चलने गया है। बोले भाई मेरी क्या गलती, एक काम कर, तो मेरे को एक्टिंग करके बोला कि तेरे पास क्या प्रूफ है। बोले मैं कलाम पाक पे आकर दे, मैं छोड़ दी पैसा मांगूंगी नहीं। तो बोले काय के लिए तेरा, ये बोली बुड्ढी ने, के तेरा फ्री में थोड़ी आ जाए पैसा, तेरा पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बुड्ढा बात करने को तैयार नहीं, अनजान हो रहा है मेरे को देख के, ऐसी करने लगे। फिर एक ही बार मलार में केके ज्वेलर्स के पास, राजे ज्वेलर्स के पास 25,000 रुपए देते, वो कैमरे में आए और पूरा पैसा बुड्ढी लिया, पूरा पैसा बुड्ढी ली। उसके लिया उसको कैसा बढ़िया, लोग लाइक करते क्या, पकड़ चोदने के लिए लाइक करते क्या, काय को लाइक करते क्या। वो जो उसमें आके सूरत में तुम गए थे तभी उसने नहीं क्या बैठ के कबूल किया, तुमने मेरे को वीडियो बताया, वो भेजे थे, वो बीच में बैठे लाए मरेगी बुट्टी, उसके देखना अंजाम क्या होगा, अल्लाह इतनी दिखाएगा बुट्टी को, बॉस मेरे से बहुत बड़ी गद्दारी करी, मैं क्या करूं, मेरे को फंसा देगी, 1 करोड़ का मेरे पे ना इल्जाम मानने का दावा डाल रही। बोले मेरे बेटे को फंसाएगी, मेरी आमना को फंसाएगी, बोला ऐसा बोला, मेरी औरत को फंसाएगी, बल्कि मैं मजबूरी से हूँ। बुट्टा क्या छोड़ते जाता उसको, एक बुला की गिर गिरी उसका, उसका के कारण दिखा दिखा के पीछे की दुकान। जानता तुम तो, तुम्हारे बहुत सारे लोग देखी लिए कि कैसा इन लोगों ने पूरा एक प्लान करके गए थे रियाना बॉस के पास, और कैसा ये चाची और चाचा जी की बात कर रही हूँ जो अपना मुजरा दिखाते रहते हैं ना, इन्हीं की बात कर रही हूँ कि कैसे इन लोगों ने प्लान करके गए। और अभी ये लोग दोबारा, इन लोगों ने जो उंगली करी है ना यार, इन तीनों लोगों को, सना सिस्टर को, रियाना बॉस को और मरियम शेख को जो उंगली करी ना अभी बैठे बिठाए की, तो अभी चाची को बहुत अच्छे से पता लगेगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी इन लोग को छेड़ के। क्योंकि जाहिर सी बात है वो चुपचाप अपनी लाइफ में मस्त जी रहे थे, तो इन्होंने बिला फालतू का आके टोंड मारना शुरू करा ना, अब भी देखो इनको कैसा पता लगेगा। क्योंकि अब ना तो सना सिस्टर और इमरान भाई इन लोग की बातों में आने वाले, ना रेहाना बॉस और ना ही मरियम शेख आंटी जो है ना हमारी आपा जी, तो ना वो आने वाली हैं अब इनकी बातों में। और जो कुछ बचे कुचे लोग होते हैं ना जो आके बैड कमेंट्स करते हैं या जो लोग चाची को सही बोलते हैं, तो वो लोग भी कान खोल के सुन लें और आंखें खोल के जो है वो देख लें कि क्या क्या कुछ सामने आ रहा है, किस तरह इन लोगों ने ड्रामा करा, चाहकर जो है वो 15 लाख का गेम खेला, बल्कि गेम तो बहुत बड़ा वाला खेलने की प्लानिंग थी कि कुछ बड़ा हाथ मारेंगे, बड़ा करके रियाना बॉस को लूटेंगे, पर बात जो है वो 15 लाख में टली। और भी बहुत सारे प्रूफ हैं जो इमरान भाई के पास है, वो वक्त के साथ साथ जो है वो पब्लिक को दिखाएंगे और बताएंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग बस मिस मत करिएगा सना सिस्टर की वीडियो और हम जितने भी यूट्यूबर हैं उनकी वीडियो। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। ओके बाय बाय।